नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जो कि सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, बहुत ही ज्यादा नखरा करते हैं। या तो उनको अपने हाथ से मुंह में खिलाना पड़ता है, या फिर वो खुद से खाएंगे तो बाद में खाएंगे, अभी हल्का सा खाएंगे, और कुछ तो आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद जब मन होगा तब खाते हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है डॉग ऑनर्स के लिए, और इसके वजह से डॉग के हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों, उसके सामने एक एक घंटा तक खाना छोड़ना ये भी बहुत ही बड़ी मुसीबत है। और दोस्तों, इस तरीके का आदत जब आपके डॉग में होता है तो फिर आपके साथ क्या होता है पता है? दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है दोस्तों, दिल से बुरा लगता है यदि आपका डॉग ऐसा करे तो। दोस्तों, वैसे तो इसको सही करने के लिए मेरे पास एक टिप्स है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूंगा चलिए आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि इन भाई ने लिखा है कि मेरा डॉग पहले खाना सही से नहीं खाता था, अब बहुत ही अच्छे तरीके से खाने लगा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बहन ने लिखा है कि मेरा डॉग पहले खाना सही तरीके से नहीं खाता था और अब बिल्कुल सही तरीके से खाने लगा है। फिर सेकेंड में आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि ओ माय गॉड, मेरा डॉग आज खुद से खाना मांग करके खाया है। तो इस तरीके का अमेजिंग रिजल्ट होता है। और एक और रिजल्ट आप देख लो कि इन्होंने, मैंने कल ही स्टार्ट किया था ये, इन्होंने लिखा है कि मेरा डॉग मॉर्निंग का तो नहीं खाया लेकिन अभी वाला खाना खा लिया। तो आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा खुशी होती है ऑनर को। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो वीडियो देख करके आपको मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि कैसे ये पहले खाना नहीं खा रहा था और अब ये खा रहा है। चलिए मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। तो जो 15 मिनट्स टाइम दी छु तुम्हाके खेना। एशो कम तो जो कम खेना। तो जो कम हियर, come here, I said, come here. Okay, আমি 15 minutes time দিয়ে গেছিলাম, তুই একটু খাসনি কেন? বসে থাক এখন। আবার সে যখন রাত্রিরে খাওয়ার টাইম হবে তখন পাবি, তার আগে পাবি না, বস থাক। তো দোস্তো, আপনি দেখা কি কিতনা জাদা জিদ করনে কে বাদ ভি ইয়ে ডগ নেই খা রাহা হ্যায়, অর 4 সেকেন্ড কা এক ছোটা সা ক্লিপ হ্যায়, আপ ইসকো দেখিয়ে। आपने इसमें देखा कि किस तरीके से बेचारा वहीं पे सो जा रहा है लेकिन खाना नहीं खाएगा। फिर इस पे जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया गया, तो अब देख सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या है, अब ये खाना खाने लगा है। लेकिन इसमें चेंजेस और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी, बहुत ही तेजी से खाना खाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके का हेल्प आपको दिया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो दोस्तों, अब मैंने सोचा है कि आप लोगों को पर्सनली गाइड करूं कंसल्टेंसी दे करके व्हाट्सएप पे, और इसका बहुत ही कम नॉमिनल फी रखा गया है, 200 रुपीज। आप लोग ये पे करके पर्सनली व्हाट्सएप पे आप लोग गाइडेंस ले सकते हो। और दोस्तों, अभी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है बेस्ट होममेड फूड पे, मिल्क सही है या फिर नहीं है, डॉग में जो घाव हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम, मैगोट हो जाता है, उसको कौन सा मेडिसिन दे करके आप लोग रोक सकते हो, मिल्क सही है या फिर नहीं है, बहुत सारे वीडियोज अभी आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों, जिनको भी मेरे से व्हाट्सएप कंसल्टेंसी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। और दोस्तों, एक और स्पेशल चीज़ है कि मेरा ऐप अब चलने लगा है, तो आप लोग जाइए मेरे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और दोस्तों जितना हो सके उतना 5-स्टार रिव्यू दीजिए। आने वाले वीडियो में मैं सारे लोगों का नाम शॉर्ट आउट करूंगा उस वीडियो में, तो आप लोग जाइए उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और 5-स्टार रिव्यू भर भर के दीजिए। दोस्तों, लव यू ऑल, मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।